मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट पोएम, अ फोटोग्राफ रिटन बाय शिर्ले टॉलसन। इन दिस पोएम द पोएटिस लुक्स एट अ फोटोग्राफ ऑफ अ मदर एंड टू कजन्स। कवियत्री अपनी माँ के फोटो को देखती है। जैसे ही पोएम शुरू होती है उसमें फर्स्ट स्टंजा में ही बताया जाता है, जो कवियत्री है वो अपनी माँ के फोटो को देख रही है और उस फोटो में तीन लड़कियाँ हैं, एक उसकी मदर और टू उसकी कजन्स, मीन्स उसकी दो मौसियाँ हैं। द थ्री स्टेंजाज ऑफ द पोएम डिपिक्स थ्री फेजेस। तीन स्टेंजा दिए हैं इस पोएम में और वो तीनों ही लाइफ के तीन स्टेजेस को दर्शाती है। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइटिस वॉज नॉट इवन बॉर्न। पहला जब स्टेंजा, पहला फेज जो है लाइफ का, उसमें बताया है कि तब तक कवियत्री का जन्म नहीं हुआ था। सी लुक्स एट अ फोटोग्राफ, वो एक फोटो को देखती है। इट शोज हर कजन्स ईच वन होल्डिंग हर मदर्स हैंड एट द सी शोर। और फोटोग्राफ में क्या देखती है, उसकी जो मौसियाँ हैं वो दोनों ही उसकी माँ के हाथों को, इट मीन्स एक ने दूसरी तरफ से, दूसरी ने एक तरफ से माँ के हाथों को पकड़ रखा है। इट मीन्स बीच में इस कवियत्री की माँ है और दोनों तरफ इसकी मौसियाँ हैं और समुद्र के किनारे खड़े होकर फोटो खिंचाया है। हर मदर वॉज ऑल्सो अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 ईयर्स एट दैट टाइम। उस समय उसकी माँ की एज लगभग 12 साल की है। द पोइटिस एंकल टुक दैट फोटोग्राफ, कवियत्री के मामा ने फोटो लिया है। द पोइटस सेज दैट हर मदर्स फेस इन द फोटोग्राफ इज़ वेरी स्वीट। वो कहती है कि इस फोटो में माँ का चेहरा बहुत सुंदर है। थ्री गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर स्टैंडिंग एट द सी शोर एंड सी वाटर इज वॉशिंग देयर फिट। कहती है कि तीनों ही लड़कियाँ समुद्र में, समुद्र के किनारे खड़ी हैं और समुद्र का पानी उनके पैरों को पखार रहा है, धो रहा है। द सेकेंड फेज डिस्क्राइब अ पीरियड अबाउट 20 or 30 years। दूसरा जो फेज है मीन्स जब उसकी मदर 20 या 30 साल की रही होगी तब का है। द पोइटस मदर लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड टोल्ड हर अबाउट इट। दूसरे फेज में कवियत्री की माँ, मीन्स उसकी माँ, उसे फोटो दिखाते हुए कहती हैं, शी सेड दैट टू गर्ल्स इन द फोटोग्राफ आर बैटी एंड डॉली। वो उसकी माँ कहती है कि इस फोटो में एक बैटी मौसी है, दूसरे वाली डॉली है। एंड दे हैड स्पेशली ड्रेस्ड फॉर देयर सी बीच हॉलीडे। समुद्र पर हॉलीडे बिताने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है। द पोइटस सेज दैट द सी बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स पास्ट। सी बीच हॉलीडे उसकी माँ के लिए उसका भूतकाल था, मीन्स जो समय बीत चुका है वो था। Now her mother's laughter is now the poet's past। और अब उसकी माँ की हंसी कवियत्री के लिए भूतकाल बन गया, means उसकी मदर अब जा चुकी है। It means her mother is no more in this world। इसका मतलब है अब उसकी माँ इस संसार में नहीं है। In the third phase the poet's mother had died। तीसरे फेज में, तीसरे स्टेंजा में कवियत्री की मदर मर चुकी है। When the poetess looks at the photograph, और अब वो उसी फोटो को देखती है। She remembers, वो याद करती है her mother और अपनी माँ को याद करती है। She says that there is to say this in this circumstances, और वो कहती है कि there is nothing changed इस circumstances, कि इस फोटो में अब भी कुछ नहीं बदला है। हालांकि अब उसकी मदर जा चुकी है संसार से, पर वो कहती है कि इस फोटो में जो परिस्थिति थी वो अब भी यूं की यूं है। और साइलेंस ऑफ द फोटोग्राफ सरकमस्टांसेस, उस फोटोग्राफ की साइलेंस ने, उस फोटोग्राफ की सिचुएशन ने मेक्स हर आल्सो साइलेंट, और उसे भी अब साइलेंट, चुप करा दिया है। मीन्स अब उसकी मदर इस संसार में नहीं है और वो उसको याद करके उसकी यादों में खो जाती है, उस फोटो को देख कर गुम हो जाती है। कि फोटो में जो भी सिचुएशन, जो भी परिस्थिति एक बार कैद हो जाती है वो कभी नहीं चेंज होती, कभी नहीं बदलती है। और समय के साथ ह्यूमन बीइंग में बदलाव आते रहते हैं। बच्चे का जब फोटो होता है तो बच्चा बुजुर्ग, बच्चा जवान और बूढ़ा बन जाता है, बट वो फोटो में यूं कहीं उसका एक एज फिक्स उसी के अंदर लिमिटेड हो जाती है। यस, नाउ आवर पोएम इज ओवर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द पोएम। Go through it from your textual book. Have a nice day.